Good morning, everyone. Today, again, I am here with a new topic of the unit planning. Yesterday, we did about the meaning and features of planning, and today, we will do the next topic that is planning process, or you can see various steps in the process of planning. So, here you can see in the diagram. We have various steps. First step is setting up of objectives. Second is developing planning premises. Third one is identifying alternative courses of action. Fourth one is evaluating the various alternative courses of action. Fifth one, selecting one best alternative. Sixth one, implementing the plan. And then is follow up action.

लिंक्ड है कि प्लानिंग हमेशा चलती रहती है अगर हम टारगेट नहीं अचीव कर पाए तो हमें जो भी कमियां हैं वो ढूंढनी पड़ेंगी और उन कमियों को सुधारने के लिए हम फिर से नई प्लानिंग करेंगे सो दैट्स वाई वी से प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो लेट्स डू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप वी हैव द फर्स्ट स्टेप हिअर सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिवस द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप in planning process is setting the organizational objectives which means we have to specify what an organization wants to achieve objectives means the targets or the goals which an organization wants to achieve the objectives should be set in very clear and specific terms by the managers कीपिंग इन माइंड ऑल द रिसोर्सिस ऑफ द कंपनी इसका मतलब है कि मैनेजर्स ने जब भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के या बिजनेस के सारे रिसोर्सेज को ध्यान में रखे और बहुत ही क्लियर टर्म्स में स्पेसिफिक टर्म्स में ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाने चाहिए जब भी वो मैनेजर ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे दे हैव टू सी कि ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जो एम्प्लॉइज़ को सही तरीके से कम्युनिकेट की जाए कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स कभी भी वेग नहीं होने चाहिए दे शुड बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक सो दैट ऑल द एम्प्लॉयीज पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स फॉर अचीवमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जाम्पल If we say ki, we have to increase the profits but we do not tell the limit, then it will not be an objective because it is not specifically told how much profits we want to increase. But if the objectives are like this increase the profits by 20%, so that could be an objective because here the profits are to be increased and their percentage is also told along with it. यहाँ हमें क्लियर टर्म्स में बता दिया कि प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है कितना करना है ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज़ करना है तो ये क्लियर टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है सो दैट कैन बी कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव हमेशा ही क्लियर टर्म्स में स्पेसिफिक टर्म्स में डिटर्मिन किए जाने चाहिए और सभी एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली कम्युनिकेट किए जाने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है देन वी मूव टू सेकेंड स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस दैट इज़ developing planning premises now we have to understand this word understand this word developing planning premises first of all what are premises premises means making assumptions regarding the future they are the base on which we have to set our plans you can say basically it is a kind of forecast फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर है जिसको हम अपनी प्लानिंग करते हुए ध्यान में रखेंगे कि हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है प्लानिंग इज कंसर्न ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर एंड ऑल ऑफ यू नो फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है सो दैट्स वाई जितने भी मैनेजर्स हैं द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ हमें पहले से एजम्पन्स लेके चलनी पड़ेंगी दीज एजम्प्शन्स आर कॉल्ड प्लानिंग प्रेमिज इन्हीं एजम्पन्स को हम प्लानिंग प्रेमिस बोलते हैं विच आर कंसिडर्ड टू बी बेस मटीरियल जिसको हम बेस मटीरियल मानते हैं जिसके बेसिस पर हमने सारे प्लान्स बनाने हैं जो एजम्पशंस हैं ज़रूरी नहीं ये हंड्रेड परसेंट करेक्ट होंगी बट हम फ्यूचर को प्रडिक्ट करके या एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके कुछ ना कुछ एग्जम्शन लेके चलेंगे ताकि हम फ्यूचर में सक्सेसफुल रह पाएँ फोरकास्टिंग कैसे की जाती है फोरकास्टिंग हमेशा इंफॉर्मेशन के बेस पर होती है एनवायरमेंटल स्कैनिंग से आप इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं लास्ट ईयर आपने क्या किया उससे आप इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं देन उसके बाद मार्केट में क्या चेंजेस हैं डिमांड प्रोडक्ट की ज़्यादा है या कम है उसके बेसिस पर फोरकास्टिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट की नई जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में क्या प्रडिक्शन है उसके बेसिस पर हम प्लानिंग बरसिस बना सकते हैं या टैक्स के रेट्स पहले से इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं बैंक रेट्स में क्या चेंज आ रहा है तो सो मेनी फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग योर प्लानिंग तो ये सारी हमने एजम्पन्स फ्यूचर के लिए पहले ही लेके चलनी है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए

उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं मीन्स कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम ओन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू अचीव इन एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इंक्रीजिंग दी प्रॉफिट्स अल्टरनेटिव्स मे बी अगर हम प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं नंबर वन इज़ परचेज ऑफ न्यू हाई स्पीड मशीन्स कि हम अच्छी मशीनरी खरीद लें नंबर टू इज इंक्रीजिंग दी सेलिंग प्राइस हम सेल प्राइस इंक्रीज़ कर दें नंबर थ्री इज़ यूजिंग वेस्ट मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग स्टफ्ड टॉयज अगर आप स्टफ्ड टॉयज बना रहे हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप वेस्ट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के उसने तीन हमें डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन बताए हैं इसी तरह से अगर आप किसी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करना चाहते हो तो उसमें भी हम बहुत सारे अल्टरनेटिव्स एडॉप्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं या हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट पे स्पेंड कर सकते हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या हम डोर टू डोर सेलिंग के लिए सेल्समैन अपॉइंट कर सकते हैं या हम एक के साथ एक फ्री वाला कुछ ऑफर दे सकते हैं या हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेम रेंज ठीक है इन लेसर प्राइस एज कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स वो भी कर सकते हैं अब हमने क्या करना है सबसे पहले सारे जितने किसी काम को करने के लिए जितने किसी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं उन सब की आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है आइडेंटिफिकेशन मीन्स उन सब की एक लिस्ट बना लेनी है कि कौन कौन से डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जितने हमने अल्टरनेटिव सेलेक्ट किए हैं जितने हमने पॉसिबल मैथड सोचे हैं काम को पूरा करने के लिए उन सब का ही हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन का इवेलुएशन करना है अच्छे से हमने उन सब के पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स सबके इवेलुएट करने हैं मींस वी हैव टू आइडेंटिफाई वी हैव टू इवेलुएट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ ईच आल्टरनेटिव इट्स फिजिबिलिटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर जो मैनेजर है इवेल्यूशन के वक्त जो नेगेटिव आल्टरनेटिवस हैं उनको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देगा जिसमें हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मिल रही है कि इसको फिजिबल भी है और इसमें इसको अडॉप्ट से हमें कुछ फ़ायदा भी होगा तो उन आल्टरनेटिवस की हम एक अलग लिस्ट बना लेते हैं देन इज़ वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव अब हमने सारे अल्टरनेटिवस का पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देख लिए हैं अब हमें यहाँ पर एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है द बेस्ट अल्टरनेटिव मस्ट बी सेलेक्टेड विच इज़ मोस्ट फिजिबल विच इज़ मोस्ट प्रोफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज तो यहाँ हमने वो प्लान चूज करना है जो हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट है जिसे कैरी आउट करना भी पॉसिबल है जिससे हमें बहुत फ़ायदा भी होगा और जिससे हम इजीली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे ठीक सो दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग अब हम ये भी कहते हैं कि जो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है इट इन्वॉल्व्स डिसीज़न मेकिंग तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट के अंदर दैट इज़ सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव इसके अंदर हम डिसीज़न ले लेंगे कि कौन सा हमने बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ किया है अब जैसे ही हम मेन प्लान बना लेंगे इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को मेन प्लान को पूरा करने के लिए कुछ सपोर्टिव प्लान्स भी बनाने पड़ेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि आ, हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए हमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी बाय करने पड़ेंगे हमें इम्प्लॉयज़ को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें रॉ मटेरियल भी परचेज़ करना पड़ेगा सो दैट वे वी हैव टू सेलेक्ट दी वन बेस्ट अल्टरनेटिव यहाँ हमने चूज कर लेना है कि कौन सा हम तरीका एडॉप्ट करेंगे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने का या सेल को इनक्रीज़ करने का सो so, इसे हम कहते हैं द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग जहाँ पर एक्चुअली आप डिसीजन ले लेंगे कि मैंने कौन सा मैथड चूज़ किया है इसी के अंदर फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा कवर हो रहा है फोर्थ में हम इवेलुएट कर लेंगे डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को फिफ्थ के अंदर हम बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को चूज़ कर लेंगे क्या हमने अडॉप्ट करना है अब इस बेस्ट अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग ही नाउ वी विल इम्प्लीमेंट द प्लान

प्लान्स तो यहाँ पर मैनेजर्स क्या करेंगे कि जो भी हमने मेन प्लान बनाया हुआ है या जो भी हमने सपोर्टिव प्लान्स बनाए हैं उन सारे प्लान्स के अकॉर्डिंग एक्चुअल में वर्क शुरू कर देंगी जो मैनेजर्स है एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि किस पर्सन ने क्या काम करना है यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं सारा प्लान एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करने के बाद उनको नेसेसरी रिसोर्सेज अरेंज कर देंगे ताकि वो उन रिसोर्स को यूटिलाइज़ करके प्लान्स के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दें फ़ॉर एग्जांपल अगर हमने सोचा है कि हमारा टारगेट है सेल इनक्रीज़ करने का तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं वी सपोज़ हमने अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है कि हम एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे एडवर्टीज़मेंट पर हम एडवर्टीज़मेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हों हमारे प्रोडक्ट की तरफ एंड फाइनली वी आर एबल टू सेल मोर प्रोडक्ट एंड ऑन मोर प्रॉफिट्स तो अब हमने अल्टरनेटिव क्या सोचा है इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन अल्टरनेटिव तो यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ऑर्डर कर देंगे कि आपने एडवर्टीजमेंट इंक्रीज़ करनी है ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना है उसके लिए दे कैन चूज़ द बेस्ट मीडिया दे कैन हायर सम एडवर्टीजिंग एजेंसी दे कैन प्रिपेयर दी एड एंड स्टार्ट विद दियर वर्क सो दिस इज़ कॉल्ड पुटिंग द प्लान इन टू एक्शन मीन्स आपने एक्चुअल में प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया है एग्जीक्यूट कर दिया है ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाए नाउ वी मूव टू दी लास्ट स्टेप दैट इज फॉलो अप एक्शन अब फॉलो अप एक्शन का क्या मतलब है हियर द मैनेजर हैज़ टू टेक द फॉलो अप एक्शन टू एंश्योर वेदर द टारगेट्स हैव बीन अचीवड और नॉट तो यहाँ पर जो मैनेजर है प्लान को एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग करता रहेगा उसको रिव्यू करता रहेगा कि जो हमने प्लानिंग की थी या जो हमने टारगेट सेट किए थे क्या उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं इफ वी आर एबल टू अचीव दी टारगेट्स देन वेल एंड गुड वेरी गुड बट इफ़ वी फील देर आर सर्टेन चेंजेस इन दिचुएशन एन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाए अगर आप उसमें थोड़े से चेंजेस कर लेंगे या थोड़े से हम उसके अंदर आल्ट्रेशन कर लें अगर हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे तो मैनेजर्स विल डू दैट ऑल्सो तो फॉलो अप एक्शन के अंदर क्या होता है मैनेजर्स ने इस चीज़ को रिव्यू करना है मोनिटर करना है कि जो हमने टारगेट सेट किए थे क्या हम उन टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं अगर कर पा रहे हैं वेल एंड गुड बट इफ़ देर आर एनी शॉर्ट कमिंग्स कुछ कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से हम टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए तो हम उन कमियों को ढूंढेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे अगेन वी विल हैव टू रिवाइज द प्लान्स हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे ताकि हम अल्टीमेटली अपने टारगेट्स तक पहुँच पाएँ सो दिस इज़ कॉल्ड फॉलो अप एक्शन जिसमें हमने जो भी काम किया है हम उस सारे को चेक करते हैं रिव्यू करते हैं मॉनिटर करते हैं और जो भी उसमें कमियाँ रह गई हैं उनको सुधारने की कोशिश करते हैं जब भी हम सुधारते हैं अगेन वी मूव टू दी एंटायर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डायग्राम बनाया था यहाँ पर फॉलो अप एक्शन है जैसे ही फॉलो अप एक्शन होता है साथ ही दोबारा अगर कुछ कमियाँ रह जाती हैं देन वी लिंक इट अप टू दी सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिवज अगेन मीन्स यहाँ पर हम थोड़ी सी उसमें कुछ ना कुछ आल्ट्रेशन कुछ ना कुछ उसके अंदर एडजस्टमेंट कर देंगे ताकि हम टारगेट्स को पूरी तरह से अचीव कर पाए तो अभी हमने देखे वॉट आर वेरियस स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आई होप ऑल ऑफ यू माइट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू एंड हैव अ अम